देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुझे इतना ही शौक है बच्चे संभालन का, ता अपना बच्चा क्यों नहीं पैदा कर दी तू? छुनी थी सेठ ठीक हूं तो मां नहीं बन सकती। हम तो बस एको आस है कि साढ़े विचो किसी का बोध ना रो, मैच हो जावे साड़ी बच्ची ना। टेस्ट तो होन दे सबू, मैच हो जाना है साड़ी दोनों चो एक दा तो हो ही जाना है। ये जरूरी नहीं है क्योंकि आम तौर पे 100 विचो किसी एक मां प्यो का ही बोन मैरो दे बच्चे नाल मैच होंदा है। काश काश साढ़े विचो भी मैच हो जावे। पर जे दोवां दा ना होया फिर की? फिर सानू कोई डोनर लभना पाऊगा जेड़ा साड़ी बच्ची नू बोन मैरो दान कर सके। पर इन्ने थोड़े टाइम च डोनर लभना भी बहुत औखा है। हाय मैनू तो ऑपरेशन दे नाम ते डर जा लगदा है। मम्मी जी तुसी क्यों डरदे हो? वो बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया ऑपरेशन करूगा वो सबू। डॉक्टर जिन्ना मर्जी वधिया होवे होना तो ऑपरेशन आ ना। मैं सुनिया ऑपरेशन विच बड़ी दर्द हुंदी है ते बचा होना भी बड़ा औखा हुंदा है। पर जे साड़ी बच्ची दी जान बचाउण वास्ते ऑपरेशन जरूरी है तां ऑपरेशन तां करना ही पाऊगा ना। डॉक्टर ने तो टाइम भी एक महीने का दिता है, कहिंदा कि एक महीने दे विच विच बोन मैरो बदलना बहुत जरूरी है। पर हुण तां साडे दोनों चों किसे इक दा मिल जे फिर ही चंगा है। पर फिर भी इहदे नाल नाल सानू डोनर भी लभना पाऊगा क्योंकि जे साडे विचों किसे दा मैच ना होया तां भी ऑपरेशन तो टाइम सिर होना चाहिए है ना। हां जी मैडम जी, गए सी हस्पताल सारे जने, बच्ची नु ता हले तक होश ही नहीं आया। ए ता मेनू भी पता है चुलबुली, पर तू ए दस कि बच्ची ठीक ता है, ओनु हॉस्पिटल क्यों लेके गए सी? मैडम जी ओ ना बड़े दिना तो ठीक नहीं चल रही सी, रोई जांदी सी ते किते टिकती भी नहीं सी। फिर कल ओदी सेहत ज्यादा खराब होगी ता फिर ओनु हस्पताल ले जाना पिया। फिर डॉक्टर ने की किया? ए ता मेनू पता नहीं मैडम जी क्योंकि मैं तो उथे सीगी नहीं ना। चुपली तू उथे ता नहीं सी पर करता सी ना, करता गल करदे होणगे कि बच्ची नु की होया, की किया डॉक्टर ने? हुण मैं तुहानू किद्दां दसा मैडम जी कि ओ किन्ने परेशान होए पे ने ते किसे बोन मैरे नु बदनाल नहीं गल कर रहे ने। जे मैं तुहानू दसदा ते तुहानू ता सवरीन उत्ते तरस आ जाणा है। चुपली तू सुन रही है ना मैनू, बोलदी क्यों नहीं पई? हां जी हां जी मैडम जी सुनदी पई आ। ओ विचे तुहाडी आवाज बंद हो गई सी। अच्छा हुण तो आउंदी है ना आवाज। चल हुण दस की किया सी डॉक्टर ने, की होया बच्ची नु? ज्यादा कुछ नहीं मैडम जी, ओ ओनु ना बुखार हो गया सीगा ता हुण ता ओ ठीक है। चल शुक्र बच्ची ठीक है। मैं ता डरी गई सी कि किते सवरीन दे माड़े कर्मा दी सजा उस नन्नी बच्ची नु ना भुगतनी पए। हुण मैं तुहानू किवें दसा मैडम जी कि ओ निक्की जिही जान सच्ची किन्नी परेशान है। हां जी हां जी मैडम जी ठीक है। ओ चल ठीक है चुलबुली, हुण मैं रखती हूं, तू भी अपना काम कर ला। पर सबरीन ते पूरी निगाह रखी, जद भी ओ कैमरे दे नेड़े तेड़े होवे मैनू दसदी रहे। ठीक है मैडम जी मैं थानू दस दूंगी। ओए होए होए साडा सोणा काका। रुड़ 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 की करदे पयो माही? कुछ नहीं सबू, दसो की गल है? बस मैं तो उस अजूनी बारे सोचती पई हां। अजूनी बारे की हो गया? यही कि असी ओनू जायदाद बेचन तो ता मना कर दिता, पर मैं उस अजूनी नू चंगी तरह जानदी हां। ओ चुप करके बहन वालिया विचो नहीं है। जदों आपा मना ही करता फिर की कर सकदी है? ओ करूगी ता कुछ ना कुछ जरूर। हो बस मैनू एक गल दा ही डर है कि ओ साडे राह विचो कोई अड़चन ना पावे। हां पहला भी ओदे करके नहीं अपनी जायदाद बिकी, बस हुण अपने राह च रोड़ा ना बने। चलो देखिए तो सही एक बार क्यों की करती पई है। देखो
हाँ भी काटो साइकिल चलाइए। उन्हें कैमरा देखने लगी है। जूनी मैडम जी नू दसना पो हूने मैसेज करती हूं। अजे तक बच्ची नू लेके ही नहीं आए मेरे वाल, पता नहीं की करी जांदे दोवें। हूने जाके देखती हूं। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਕੁਛ ਨੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਚੱਲ ਚੁਲਬਲੀ, ਚੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਓਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੀ ਅੱਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਇਆ? ਉਧਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ। ਸਬੂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਹੀ, ਬੈਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 6 ਵਜੇ ਦੋਦੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ। ਲੋ, ਦੋਜੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੂਹਰੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਦੋਦੀ 2 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੰਟੀ ਮਾਰੂਗਾ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਛਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੋਲੂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਬਸ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਦੁੱਧ ਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਕਰੀ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਚੁਲਕੀ। ਲੋ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਤੂੰ ਫੜੀ ਜਾਏਂਗੀ। ਪਰ ਫੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਚੁਲਬਲੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਸ ਗਈ, ਪਰ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੁਲਬਲੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਕੀਮ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇਰੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਠੀਕ 8 ਵਜੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੱਕਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਪਾਜੀ ਵੀ, ਅਜੂਨੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਦਾ ਵੀ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਘੂਕ ਸੌ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ 8:30 ਵਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੁਲਬੁਲੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚੁਲਬੁਲੀ, ਪੱਕਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਤੀ, ਜਦ
दवाई दा असर ना होया तो फिर उस दवाई दे असर तो कोई नहीं बच सकता साहब जी। फिर भी आपा किसी तरह तसल्ली नहीं कर सकते? ठीक है, तसल्ली करनी है ना, ओदा भी है एक तरीका मेरे को। दस फिर जल्दी। पज्जो साहब जी। मैं की कीता तू? चल बी एक ही तरीका है, भजन तो पहला दसना भी चाहिए सी ना। फिर भी तो भजना ही पैना सी ना साहब जी। लो होगी तसल्ली, कोई नहीं जागदा अंदर। चलो हुन चलिए। मंत्री साहब इन्हां ने ताज अखबार दा कल्ला कल्ला अखर ही खा जाना है। ते ए पिया कपट्टी दा कप्तान। चलो रूम च देखते हैं। अजूनी मैडम जी तो इत्थे भी है नी। वो कित्थे गई? तुसी की करना है उन्हों? तुसी छेती छेती बैटरी बदलो, मैं ध्यान रखनी हाँ। मतलब सारी टीम ही आउट होगी। चलो चलो छेती चलो। जी पापा जी चले गए। वैसे काम तो बड़ी सफाई ना करके गए ने, ते किसे नु पता भी नहीं लगन दिता। फिर असी अंदर गए ते सारा बाजवा परिवार सुसरी वांगू सुत्ता पिया। सारे और की मम्मी जी सारे बाजवा जी अखबार पढ़ते पढ़ते डिग पे, ते शिंदा शिंदे तो टूटी नहीं बंद हुई रसोई वाली, ओ उत्थे लिटिया पिया। फिर की फिर असी अपना काम कीता ते आराम नाल हौली हौली बाहर निकले। शाबाश चुलबुली, ए सही टाइम ते दिमाग चलाया तू अपना।
तीजी वार शाबाशी दिती है पिछले 10 मिनटा च, एदा मतलब हुन पहला नालो ज्यादा भरोसा करूगी है मेरे उत्ते। एक मिनट, डॉक्टर साहब दा फोन है। करो गल। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैच होया किसी दा बोन मैरो? आई एम सॉरी सबरीन जी, थोड़े विचों किसी दा बोन मैरो मैच नहीं किता। फिर हुण की करना पएगा डॉक्टर साहब? देखो हुण जे थोड़े विचों किसी दा मैच नहीं किता तो सानू डोनर बाहरों लभना पैना है, ते डोनर लभण दी सब तो अच्छी जगह है दिल्ली चंडीगढ़ वर्गा वड्डा शहर। पर उत्थे तां आपां किसे नूं जाणदे ही नहीं है, असीं किद्दां लभांगे डोनर? उत्थे ब्लड बैंक च इनफॉर्मेशन मिल जांदी है डोनर दी, तुसीं एक वारी जरूर जाके आओ। ते मैं भी पूरी कोशिश करांगा, जे मैनूं कोई डोनर मिल गया मैं तुहानूं जरूर दसूंगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, तुसीं जरूर दस्यो जे मिलिया कोई डोनर तां, ते जिद्दां तुसीं कहा असीं भी कोशिश करांगे। देखो जी जिन्ना छेती छेती हो सके, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना बहुत जरूरी है, जिन्ना जल्दी हो सके उन्ना कर लो। हाँ जी डॉक्टर साहब, थोड़े नालो ज्यादा काली है सानू। की होया सबरीन, बड़ी नहीं गल? साडे विचों किसी का भी बोन मैरो मैच नहीं होया। फिर डॉक्टर ने की आखे? हुण तां बस दिल्ली जां चंडीगढ़ विच ही लभना पैना है सानू डोनर। एदा ही हुंदा है, जदों साडे कोल कोई चीज हुंदी है उदों नहीं कदर हुंदी उहदी। मैं अपनी बच्ची दे वल कदे भी ध्यान नहीं दिता, जदों अज मेरी बच्ची इतनी तकलीफ विच है तां मैं उहदे लई कुछ कर ही नहीं सकती। सबू तू फिकर ना कर, सब ठीक हो जूगा, मिल जूगा आपां नूं डोनर। ये भी हो सकता है कि एक दो दिन च अपनी जायदाद बिक जाए ते आपां कनेडा चले जाइए, उत्थे जाके अपनी बच्ची का सही तरीके नाल इलाज कराइए। बस आ अजूनी हुरी कोई बखेड़ा ना खड़ा करना विचारे। पुत्र जी हुण तुसीं दोवें जणे भी आराम करो, बहुत टाइम हो गया, मैं भी आराम करदा। हाँ जी पापा जी, तुसीं करो आराम। चुलबुली दा मैसेज की कहंदी है पुत्र जी? लिखिया है कि सबरीन इस वेले लाइव कैमरा देख रही है। एक मिनट पापा जी, अज तां असीं एक होर नाटक करना है। नाटक? हाँ जी सरावत जी, सवरीन इस वेले सानू देख रही है ते मैं कुछ सोचा है उदे लई। की सोचा पुत्र जी? यही कि सवरीन नू इस गल दा पूरा यकीन दवाना है कि वो घर बेच के कैनेडा जा सकती है। पर तू यकीन किवें दवावांगे आपां? हुणे दसदी आ, अच मंत्री साहब भी मास्टरनी दे कमरे विच, पर ए इत्थे की करदे पए ने? ओले ओले ओले, ये आया जहाज ते ए उड़ गया। की गल की करना चाहंदे सी पुत्र जी तुसी? पापा जी ए तां तुहानू पता ही है ना कि सबरीन सारी जायदाद बेच के कनेडा जाना चाहुंदी है। हां पुत्र जी, पर सारे नहीं पता कि उन्हें इतना जोर लाया है मकान बेचने के लिए। हाँ जी, ते भी सानू पता है कि उन्हें साडा घर किसी भी कीमत से सानू बेचना नहीं, तो मैं तो यही कहनी है कि क्यों ना असी ओदा ही काम खराब कर दी। मैनू तो पहला ही पता सी तू हाथ ते हाथ धर के नहीं बैना, कोई ना कोई गड़बड़ तां जरूर करेंगी तू। पर असी ओदा काम खराब किवें करांगे? कनेडा जान तो रोक के ए मैनू रोकूगी, पर किद्दां? पापा जी ए तां सानू सब नू पता ही है कि सबरीन दे विरुद्ध किन्ने सारे क्रिमिनल केसेस ने,
ਤੇਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਓਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਫਸ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੇ ਚ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਰੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਹੇ ਜਣੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।